गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके एक्सरसाइज नंबर 13.3 इसको सोल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स. कि आपने जितने भी यहाँ पे नीचे नंबर दिए गए हैं इनको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म्स के अंदर लिखना है. अभी इनको एक्सपेंडेड फॉर्म्स के अंदर कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं. यहाँ पे नंबर दिया गया है 279404. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए. सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे यहाँ पे. अब इसके बाद पहले नंबर के बाद जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर है, फर्स्ट नंबर के बाद यहाँ पे टोटल नंबर 5 है. टोटल तो ये 6 है लेकिन 2 के बाद यहाँ पे 5 नंबर दिए गए हैं. सो जितने भी नंबर हैं क्या करेंगे, इनटू 10^5. जितने नंबर हैं उतनी ही 10 के ऊपर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी. प्लस अगला नंबर लेंगे 7 इनटू, अब 7 के बाद जितने नंबर बच गए उतनी ही पावर. 7 के बाद जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर बच गए तो हम कितने पावर करेंगे 10 के ऊपर, 10^4. प्लस 7 के अगला नंबर 9 इंटू 10^3, क्योंकि अब 3 नंबर यहाँ पे 9 के बाद बच जाते हैं. प्लस 4 इंटू 10^2 प्लस 0 × 10^1. इसके बाद लास्ट नंबर बचा है 4. सो प्लस 4 × 10^0. सो ये जो है इसका क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म. सबसे पहले हमने पहले नंबर को लिखा यहाँ पे 2, फिर इसके बाद जितने भी नंबर है उतनी 10 के ऊपर पावर, फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे, फिर उसके बाद अगला नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसके पीछे जितने भी नंबर है उतनी ही पावर, फिर अगला नंबर लिखेंगे 9 और उसके बाद उसके पीछे जितनी भी नंबर है उनकी पावर. तो इस तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिख देंगे. अगले को भी इसी तरह लिखेंगे. अगर आप इसको दोबारा से उसी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है. जैसे कि 0 किसी की भी अगर पावर होता है तो वो क्या हो जाता है, 1. यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आएगा 1 × 4. इसका मतलब क्या हो गया, 4. अब उसके बाद यहाँ पे 10^1, इसका मतलब 10 × 0, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0. अब 4 में 0 को जोड़ देंगे तो ये 4 आ जाएगा. प्लस यहाँ पे 100 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400. 100 × 4 = 400. अब देखिए 400 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 404. इस तरह से आ जाएगा ये क्वेश्चन. दोबारा इस तरह से भी इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे. 300694 इतना नंबर ये दिया गया है. सो इसको सॉल्व करते हैं. 3 × अब देखिए कितने यहाँ पे 6 नंबर बचे हैं 6 के बाद. 3 × 10^6 प्लस 0 × 10^5 प्लस 0 × 10^4 प्लस 6 × 10^3 प्लस 1 × 10^2 प्लस 9 × 10^1 प्लस 4 × 10^0. इस तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. सभी को ऐसे ही करना है हमने.
यहाँ पे अगला नंबर दिया गया है 280-6196. सो 2×10^ कितने नंबर है यहाँ पे भी, इसके बाद दो के बाद यहाँ छह नंबर है. 2×10^6 प्लस 8×10^5 प्लस 0×10^4 प्लस 6×10^3 प्लस 1×10^2 प्लस 9×10^1 प्लस 6×10^0. अगला क्वेश्चन करते हैं. 1×10^ फिर से गिनेंगे इनको. ये 1 के बाद 5 नंबर्स हैं. सो 10^5 प्लस 2×10^4 प्लस 0×10^3 प्लस 7×10^2 प्लस 1×10^1 प्लस 9×10^0. लास्ट इसका 20068. सो यहाँ दो के बाद हैं चार नंबर. सो इसलिए 2×10^10 हो जाएगा. 2×10^4 प्लस 0×10^3 प्लस 0×10^2 प्लस 6×10^1 प्लस 8×10^0. इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे. अगला क्वेश्चन करते हैं. अगले क्वेश्चन में दिया गया है 5 numbers from each of the following expanded forms. यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडेड फॉर्म्स दिए गई हैं, उनमें से आपको नंबर फाइंड आउट करना है. मतलब अभी हमें नंबर दिया गया था, एक्सपेंडेड फॉर्म्स हमने करनी थी. अभी एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, सो हमने नंबर बताना है कि वहाँ पे नंबर कितना है. बिल्कुल सिंपल है. इस क्वेश्चन से बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन, अपोजिट तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा. जैसे कि 8×10^4, तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, 8 को. अब अगला 10^4 है, इसके बाद 10^3 है, 2 है, 1 है, 0 है. अब जो जो आगे वाले वर्ड हैं 10 से आगे, उनको लिख देंगे सिंपल. सो नेक्स्ट जो वर्ड है वो 6, इसके बाद 0, इसके बाद 4, इसके बाद 5. अब देखिए यहाँ पे टोटल 5 नंबर्स थे. अब 8 के बाद यहाँ पे बच गए कितने, 4 नंबर. सो 8×10^4 आ गया. अब 6 के बाद बच गए हमारे पास 3 नंबर, 6×10^3 आ गया. 0 के बाद बच गए कितने, 2 नंबर, 0×10^2 आ गया. अब 4 के बाद बच गया 1 नंबर, 4×10^1. 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए 5×10^0. इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. अगला क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह से 4×10^5, यहाँ 4 लिखा हमने. अब देखिए यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ क्या है, 3 है. इसका मतलब बीच में जिसके ऊपर 10^4 आता, वो यहाँ से मिसिंग है. तो मिसिंग है तो इसका मतलब और कोई नंबर है नहीं, 0 हो सकता है यहाँ पे. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0. फिर उसके बाद अगला नंबर 5, अगला 3. अब देखिए 2 और 0 के बीच में भी एक नंबर मिसिंग है, जो कि क्या होता, 1, जिसकी पावर क्या होती, 1, इस तरह से आता. और यहाँ पे 10^4 इस तरह से आता है. इसका मतलब वो नंबर मिसिंग है. मिसिंग है तो
क्या आएगा वो जीरो। और अगला क्या लिखेंगे टू, लास्ट नंबर जो है वो क्या है टू है। अब जीरो क्यों आएगा यहां पे, क्योंकि 10^4 इंटू क्या करेंगे यहां पे जीरो अगर होता, मान लीजिए यहां पे जीरो है तो 10^4 जो भी आता उसको जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या आता जीरो आता इस तरह से। तो यहां पे इसको लिखा नहीं गया है। अगला यहां पे 3 × 10^4 तो पहले सबसे पहले 3 लिखेंगे। अगला यहां पे है 4 और यहां पे पावर जो है वो 2 है, इसका मतलब एक वर्ड दोबारा से जिसके ऊपर 10^3 आता वो वर्ड सॉरी नंबर जो है वो मिसिंग है यहाँ पे, तो जो नंबर मिसिंग है उसके लिए हम 0 लिखेंगे। अगला लिखेंगे 7, अब 2 है यहाँ पे सो 2 के बाद सीधा 0 है। सेम उसी तरह से यहाँ भी 10^1 जिस पे आता वो नंबर मिसिंग है, सो 2 के बाद यहाँ क्या लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे 5। इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। अगला 9, अब 9^10^5 है, अगले पे है 2 × 10^2, इसका मतलब यहाँ पे दो नंबर मिसिंग है। दो नंबर मिसिंग है कौन कौन से, जिसके ऊपर 10^4 आता और जिसके ऊपर 10^3 आता, वो दोनों नंबर यहाँ पे मिसिंग है। सो दो जीरो आ जाएंगे, आगे हम 2 को लिखेंगे और इसके बाद हम 3 को लिखेंगे। अब 3 के बाद भी यहाँ पे 1 है ओनली, 10^1 है, इसका मतलब जिसके ऊपर 0 आती पावर वो नंबर भी मिसिंग है। सो यहाँ पे 10^0 जो था वो नंबर मिसिंग है, तो इसलिए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं।